दोस्तों पावर बटन दबा दबा के पावर बटन की जान निकाल रखी है पब्लिक ने। मेरे पास दिन में 3-4 बंदे ऐसे आ जाते हैं जो पावर बटन तोड़ के लाते हैं। अब देखिए इसका 2 बार मैं पावर बटन ठीक कर चुका हूँ, मगर इस बार ये पत्ता ही काट लाया था, तो इसका पावर बटन फिर मैंने जंपर के द्वारा लगाना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि इसका बजट इतना नहीं है, इसको कराना भी सस्ते में है, 50-60 रुपये वाला काम कराना। तो भैया आपको देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप इस पावर बटन का यूज़ सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के लिए और ऑफ़ करने के लिए कीजिएगा, बाकी है ना, अगर आपको स्क्रीन वेक ऑन के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप डबल टैप का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई सा भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो उससे कोई मैटर नहीं करता, सब में आजकल एंड्रॉयड फ़ोन में, स्मार्टफोन में, सब में ये फ़ीचर दिया गया है डबल टैप वाला। आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन पे तो उसके बाद वो ऑन हो जाएगी, स्क्रीन अपने आप आ जाएगी, आपको पावर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पावर बटन अगर बार बार आप दबाएंगे ना तो डेफिनेटली आपका पावर बटन ना ख़राब भी हो सकता है, कभी कभी होता है हमारे गीले हाथ होते हैं भाई, उससे भी तो पावर बटन के अंदर अगर एक बूंद भी चला गया ना तो पावर बटन ये होता है पावर बटन नीचे वाला ना, ये ख़राब हो जाता है। बाकी वॉल्यूम बटन भी ख़राब हो जाता है, वॉल्यूम बटन के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका भी आप एक ऐप के थ्रू ईजिली यूज़ कर सकते हैं उस बटन को, उसके बटन आप स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं, वो मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा या फिर आपको दिख जाएगी यहाँ साइड में वो वाली वीडियो। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने मोबाइल फ़ोन का ध्यान रखिए, और कोई भी कंसल्ट आपका हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, और आपको कितना पैसा किस काम के लिए देना चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग कराते वक्त उस चीज़ के बारे में आपको मैं नॉलेज देता रहता हूं। और आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, एक चैनल अपना भी कर लीजिए, तो आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।